वक्त की बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जहां पर बजरी माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश है वो की जा रही है। आरोपी बदमाशों की तलाश है वो उसमें की जा रही है। टोंक बजरी माफियाओं का खनिज विभाग की टीम पर हमला हुआ है। हमले में आरएसी के 5 जवान इसमें घायल हुए हैं। बोलेरो में सवार दर्जन भर बदमाशों ने उस पर हमला किया है। टीम पर पीपलू नाथड़े के पास में करीब 2 दर्जन माफियाओं ने हमला किया है। खनिज टीम पर फायरिंग करने की बात भी सामने आ रही है। यहां बात करेंगे बजरी माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसने के लिए विभाग कार्यरत था, तो बजरी माफियाओं ने उन विभाग पर जो कार्यरत थे उन पर हमला कर दिया है। करीब 2 दर्जन माफियाओं ने इस टीम पर हमला किया है। इसमें फायरिंग की घटना भी सामने आ रही है। बजरी माफियाओं के लगातार हौसले हैं वो बुलंद हैं। उनके हौसलों को पस्त करने के लिए विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई करने के साथ साथ विभाग पूरी तरह से सतर्क भी है, क्योंकि ये जो घटना है इस वक्त की बड़ी खबर आई है उसमें करीब 2 दर्जन माफियाओं ने उनकी टीम पर पीपलू नाथड़ी के पास में हमला कर दिया है। खनिज विभाग पर इसमें फायरिंग करने की बात भी सामने आ रही है। हमले में 5 आरएसी के जवान हैं वो घायल हुए हैं। फायरिंग की बात भी इसमें सामने आ रही है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं घनश्याम। घनश्याम, बताएं कि आखिर वहां पर खनिज विभाग पर लगातार विभाग कार्रवाई है वो कर रहा है, खनिज विभाग बजरी माफियाओं पर, उस पर उसके बाद भी बात करें तो खनिज विभाग की टीम पर फायरिंग की वहां पर घटना हुई है। जो अधिकारी थे, जो गश्ती दल था, ये बनास नदी में पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान जो खनन माफिया थे, बजरी खनन माफिया थे, वो करीबन 2 से 3 बोलेरो में सवार थे, और इन बोलेरो सवार बदमाशों ने खनिज विभाग के गश्ती दल पर पहले तो लाठियों से हमला किया, फिर पत्थरों से हमला किया, और इस दौरान एक बोलेरो में जिस पर प्रेस लिखा हुआ था, सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ था, और उस गाड़ी से एक बदमाश ने बंदूक निकाली और फायरिंग करने की कोशिश की। इस दौरान आरएसी के एक जवान ने हौसला दिखाते हुए तत्परता से उसकी बंदूक को एक तरफ किया और वो हवा में फायर हुआ, और उसके बाद वो जो जवान था उसके हाथ में गिरने से फ्रैक्चर हुआ। जो करीब 5 जो आरएसी के जवान है वो चोटिल हुए हैं, एक आरएसी का जवान उसके हाथ में फ्रैक्चर है। जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, उनमें साफ दिख रहे हैं कि जो घायल हैं वो आरएसी के जवान हैं, जो अस्पताल में भर्ती थे उनको उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बजरी खनन में अब तक कई बार हमने देखा है, दर्शकों तक ये चीजें पहुंचाई है कि अब तक या तो पुलिस वाले इसमें संलिप्त रहे हैं, या फिर आरएसी के जवान रहे, या और प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं। एसीबी की कार्रवाइयां भी लगातार हुई है, लेकिन आज जिस तरह से प्रेस लिखी गाड़ी पर बदमाश सवार थे और उन बदमाशों ने बजरी खनन के दौरान गश्ती दल पर हमला किया, माफिया के जो लोग थे वो कितने, उनकी संख्या कितनी थी? जो प्रशासनिक हमला है, जो पुलिस के अधिकारी है, फिलहाल उन्होंने क्षेत्र में नाकेबंदी करवा दी गई है और देर रात से उन बदमाशों की तलाश की जा रही है। घनश्याम, जो खनिज माफिया के जो वहां पर बजरी माफिया के जो लोग थे वो कितनी संख्या थी उनकी? देखिए, करीबन 3 बोलेरो में सवार थे और 1.5 दर्जन से ज्यादा ये बदमाश बताए जा रहे हैं, और इनके खिलाफ पीपलू पुलिस थाने में मामला भी खनिज विभाग की ओर से दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, और बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर नाकेबंदी कर दी गई है। संभावनाएं जताई जा रही है कि ये बदमाश जयपुर जिले के बताए जा रहे हैं, और ये जो बदमाश है इनकी गिरफ्तारी को लेकर टीमें भी गठित करने की खबर अभी फिलहाल आ रही है।